दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है, नाम बताना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज को कहा कि आपके पास सिर्फ 2 मैच हैं और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसको साबित करके दिखाओ। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेल रहे आवेश खान अब नई फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलेंगे। अपनी गेंदबाजी से इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया और यही वजह है कि उनको मेगा ऑक्शन में ऊंची बोली मिली। आवेश ने दिल्ली के साथ बिताए पल को शेयर करते हुए उन्होंने उस पल को याद किया जब कप्तान ऋषभ पंत ने उन्हें कहा था कि आपके पास अपना टैलेंट साबित करने के लिए सिर्फ 2 मैच हैं और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट साबित करें और टीम में अपनी जगह बनाएं। आवेश खान ने कहा कि काफ़ी अच्छा रहा मेरा 2021 का IPL क्योंकि मैं टूर्नामेंट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज रहा था। इसके पहले भी मैंने 3 साल से दिल्ली की टीम के साथ था लेकिन इतने मौके नहीं मिले। 2 सालों में 2 ही मैच खेल पाए लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि कई खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के अलग अलग रीजंस की वजह से मैच नहीं खेल पाए, तो ऐसे में आवेश खान को मौका मिला अपना टैलेंट साबित करने का। तो यही मौका था जब ऋषभ पंत ने उन्हें कहा कि आपके पास अगर टैलेंट है तो आप साबित करके दिखाइए और यही मौका है कि अपनी जगह टीम में पक्की करिए, जिसका फ़ायदा आवेश खान ने बखूबी उठाया और IPL 2021 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे। और यही फ़ायदा उन्हें इसी साल ऑक्शन में हुआ। IPL 2022 में उन्हें काफ़ी ऊंची बोली लगाकर लखनऊ ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस साल आवेश खान लखनऊ की टीम की तरफ से खेलेंगे लेकिन उन्होंने पिछले साल की यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि ऋषभ पंत ने उन्हें मौका दिया खुद को साबित करने का, जिसकी वजह से इस साल उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, वो अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सके। उन्होंने साबित किया कि उनके पास भी टैलेंट है और वो टीम इंडिया में अपनी जगह बना सकते हैं। तो अगर आवेश खान का गेंदबाजी फॉर्मेट अगर आपको भी पसंद आता हो तो कमेंट बॉक्स में आवेश खान के लिए कमेंट ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।